मित्रों नमस्कार, पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं इस समय बहुत रेगुलर वीडियो दे रहा हूं, आप लोगों के डिमांडेड वीडियो दे रहा हूं। पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते, दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था कुंडली में अरबपति योग, तो मित्रों उसी से रिलेटेड है वीडियो भी है, क्योंकि ये कहीं 10 मिनट के वीडियो में पूरे लॉजिक को समझाया नहीं जा सकता, तो आज उसी से रिलेटेड वीडियो है। आज शीर्षक का नाम है धन कैसे बढ़ाएं, नियम संगत उपाय, हाउ विल वेल्थ इंक्रीज, करेक्ट सॉल्यूशन। तो मित्रों एकदम धन बढ़ाने से संबंधित ही वीडियो है, और आज आपको एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूँ, ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, ऐसा सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ कि बहुत आसानी से अगर आप ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि, थोड़ी जिज्ञासा रखते हैं और ख़ासकर खेपी ज्योतिष के नियमों पर भरोसा और विश्वास, अन्य ज्योतिष में तो ऐसे न नियम है न ऐसा कोई फार्मूला है, तो निश्चित रूप से उस उपाय को अपना करके आपकी जो वर्तमान धन स्थिति है उसको अधिकतम इंक्रीज कर सकते हो। निश्चित रूप से आपका धन शक्ति बढ़ेगा, बस आवश्यकता इस बात की है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि स्किप करके या भगा करके या थोड़ा थोड़ा वीडियो देखने से आप लॉजिक से वंचित रह जाओ, क्योंकि मैं संदर्भगत विषयों पर पहले बात करूंगा और उपाय की बात बाद में करूंगा। इस नाते आप शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिए। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर करिए, मित्रों को शेयर जरूर। आइए हम मूल पॉइंट पे आते हैं, शीर्षक वाला। शीर्षक फिर दोहरा देते हैं, धन कैसे बढ़ाएं, ये आप सबकी जिज्ञासा है, समस्या है और आवश्यकता है। नियम संगत उपाय, ऐसा उपाय नहीं जो मैं अनायास बोल रहा हूँ, जो नियमों पर आधारित है, और इसको अनुभूत उपाय है, अनुभव सिद्ध उपाय है, इसको अनुभव करके कई लोगों पर, कई कुंडलियों पर देखने करने के बाद तब मैं वीडियो दे रहा हूँ। आइए देखिए, आपके सामने एक कुंडली चार्ट है, ये आप इसे केपी लग्न चार्ट या कस्प चार्ट दोनों कह सकते हैं। एक उदाहरण कुंडली है जो नेचुरल कुंडली मेष लग्न से बनती है, इसमें आप लग्न कुंडली भी मान करके, कस्प कुंडली भी मान करके विचार कर सकते। यहाँ देखिए, हमने पहले वीडियो में भी बताया है कि धन के 6 घर मेन हैं, धन बढ़ाने के या धन से संबंधित मेनली 6 भावों पर विचार करिए, विचारणीय है। 6 भाव कौन से हैं? नंबर 1 माने अपना स्वयं का, जो आप स्वयं हो। नंबर 2 जो कुटुंब और धन का भाव ही है। नंबर 3 जो आपके परिश्रम और काबिलियत का भाव। नंबर 6 जो असली धन वर्धक भाव है। और 10वां भाव शासन प्रशासन, राज्य से, नौकरी से, कहीं से 10वां भाव। और 11वां भाव चारों तरफ से लाभ देने वाला है। अब इस 6 भावों को हम यहाँ लिखते हैं, 1, 2, 3, 6, 10 और 11। 1, 2, 3, 6, 10, 11 भाव हमने बता दिया। देखिए हमने ट्रिक लगाया, इसमें से द्वितीय भाव तो धन का ही है, लेकिन आपको ये देखना रहता है कष्ट कुंडली में कि द्वितीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी या कष्पल सब लार्ड, सब स्टार लार्ड, अगर
एक और तीन को बता रहा है, एक और तीन भाव, तो ये धन तो होगा लेकिन साधारण होगा, बहुत कम परिश्रम पूर्वक धन मिलेगा, ये परिश्रम का। और अगर द्वितीय का कस्पन सम्राट दो और दस का सिग्निफिकेटर है तो औसत दर्जे का धन होगा, अच्छा धन होगा, काम चलाऊ होगा। लेकिन अगर द्वितीय का सम्राट छः और ग्यारह भाव का सिग्निफिकेटर तो निश्चित रूप से बहुत धन संपत्ति होगी, अपार संपत्ति हो सकती है, आप लखपति करोड़पति भी बन सकते हो। यह तो उपनक्षत्र स्वामी का नियम। आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं, उपाय बताएंगे वो महादशा स्वामी से लेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए जिसकी सत्ता है उसी का प्रभुत्व है, तो जो महादशानाथ है, जो महादशा स्वामी है, महादशा किसकी है आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो पूछ लीजिए, जान लीजिए, पता कर। महादशा स्वामी को आप देखिए और उसमें भी ये देखिए कि कौन सा धन संबंधी भाव आ रहा है। हमको जरूरत है कि हमको धन बढ़ाना है, अकूत संपत्ति पैदा करना है, तो हम उस काबिलियत को बढ़ावें, उस पोटेंसी को बढ़ावें, वो तत्व अपने शरीर में प्रवेश कराएं, जो कि रत्नों के माध्यम से ही संभव है। लेकिन रत्न चयन के पहले आप इस नियम को समझें। पहली बात कि आप उठाइए छः और ग्यारह को। हमने बताया कि छः और ग्यारह, ये छठवां और ग्यारहवां, ये भाव सर्वाधिक धन देने वाले, तो आपको सर्वाधिक धन वाले भाव को ही उठाना पहले। अब आप देखिए जो महादशा स्वामी है, चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे डी है, आगरा का नाम, उसमें छः ग्यारह भाव आए हैं कि नहीं आए। उसमें आए हैं अगर, उसमें या उसके नक्षत्र स्वामी में मिला के, तो सब लाड को भी देख लेंगे। सब लाड में इसे सहायक भाव भी आ जाए, दो छः दस या छः ग्यारह में से कोई एक भाव आ जाए तो इसकी पूर्ति हो जाती। अगर आपके महादशा स्वामी में छः ग्यारह भाव आया है और उसका उप नक्षत्र स्वामी सहयोग कर रहा है, तो आप उसी ग्रह का रत्न पहनिए जो महादशा स्वामी का नाथ है, स्वामी जो महादशा स्वामी है। वो कोई भी लग्न हो और कैसी भी कुंडली हो, अगर छः ग्यारह से रिलेटेड महादशा स्वामी है तो उसी का रत्न आँख बूंद के पहनिए। लेकिन अगर महादशा स्वामी में छः ग्यारह नहीं आ रहा है, निगेटिव भाव भी आ रहे हैं या कम आ रहा है, एक दस आ रहा है और एक ग्यारह आ रहा है, छः ग्यारह की कमी है, तो ऐसी स्थिति में महादशा स्वामी के संबंधियों को देख लीजिए, क्योंकि जिसका सत्ता है उसके संबंधी ही आपको लाभ पहुँचा सकते। इधर उधर आप हाथ पैर मारोगे तो लाभ नहीं। जो नियम भौतिक है यहाँ वही ज्योतिष में भी है। तो देखिए महादशा स्वामी के संबंधियों को देखने के लिए महादशा स्वामी जहाँ बैठा है उसकी ज्योति में कौन सा ग्रह है, ये भी छः डिग्री तक ही देख सकते हैं, और उसकी दृष्टि में कौन ग्रह बैठा है, आप ज्योति दृष्टि जान, उसकी राशि में कौन ग्रह बैठा है, उसके नक्षत्र में कौन ग्रह बैठ, उसके उप नक्षत्र में कौन ग्रह बैठ, उसके उप उप नक्षत्र में कौन, ये ज्योति दृष्टि राशि नक्षत्र उप नक्षत्र उपउप नक्षत्र तक अगर आप देख लेंगे तो कोई न कोई ग्रह मिलेगा, एक दो तीन मिल जाएंगे। लेकिन उसमें देखिए कि छः ग्यारह किसमें है, अगर छः ग्यारह है किसी ग्रह में तो उसी ग्रह का रत्न है, और अगर भाई देवे ने महादशा में उसके संबंधियों में भी कोई छः ग्यारह नहीं बता रहा है या ग्यारह ही बता रहा है, एक ग्यारह बता रहा है, दो ग्यारह, तब भी काम चलाऊँ छः ग्यारह नहीं। लेकिन अगर ऐसी भी स्थिति नहीं है तो आप दो दस को देखिए, दो दस ही आया हो अगर इस नियम से तो उसी रत्न को पहन, और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो एक दो तीन ही आया है तो उसको पहनिए, तो वर्तमान स्थिति जो है आपकी सुधर जाएगी। तो मित्रों छः और ग्यारह को तलाशिए। अब आते हैं
कि जिस ग्रह को तलाशा है आपने उसका रत्न आपको पहनना है। रत्न कैसा हो, नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, जरूरत हो तो ट्रांसपेरेंट हो, एकदम अच्छे क्वालिटी का हो, अच्छी दुकान, क्योंकि रत्नों की दुनिया में भी बहुत झुठाई और ठगी चल रही है। रत्न की क्षमता नहीं है तो उसके उप रत्न को पहनिए। आपको जहाँ कठिनाई आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो नियमों को, मुझसे अपनी कुंडली दे करके दिखा करके परामर्श लीजिए। लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस नियम के अनुसार आप समझ करके अगर कोई रत्न धारण करते हैं, देखिए उपाय में रत्न धारण ही एकमात्र है वर्तमान समय में, क्योंकि रत्न ही प्राकृतिक उपहार हैं, नेचुरल गिफ्ट हैं, उनमें ग्रहों का रंग घनीभूत होता है और रत्न आप जब धारण करते हो अंगूठी के द्वारा तो रत्न शरीर सूर्य से अपने तत्व की रंग रश्मियों को खींच करके त्वचा के रास्ते आपके शरीर में धीरे धीरे संप्रेषित करता है, प्रवाहित का नतीजा है उसकी क्वालिटी एबिलिटी तत्व आपके शरीर में बढ़ता है, आप अपने आप समर्थ हो जाते हो कुशल। यही उसका लॉजिक है, यही उसका विज्ञान है, इस पर ज़्यादा भाषण देना उचित नहीं है। बस जो नियम बता रहा हूँ ध्यान दीजिए, अगर 6-11 कोई मिल जाता उस लॉजिक से तो उसका रत्न पहुँचनी है, नहीं तो 1-11 है, 2-11 है, 3-11 है, 10-11 है, उसको पहनिए। और अगर ये भी नहीं मिलता है तो 2-10 को तलाशिए, वो भी नहीं मिलता है तब 6-10 को देख लीजिए, 2-10 को, 3-10 को देख लीजिए, 1-10, अगर ये भी नहीं मिलते हैं तब 1-2-3 पर आइए। इस तरह से कोई न कोई मिल ही जाएगा, क्योंकि महादशानाथ उसके संबंधी मिला के बहुत रेयर कुंडली, बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की कुंडली होगी जिसमें ये संभावित भाव नहीं मिल रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। अगर आपको स्वयं समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी कुंडली का बर्थ डिटेल दे करके हमारे संपर्क सूत्र पर हमसे संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा, बंद कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।